गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएसए क्लासेस में महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पे। और आज बात करने वाले हैं आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। क्योंकि गाइस, हम लोगों ने कल देखा स्टैटिक, और स्टैटिक में लगभग 20-22 क्वेश्चन के तहत हमने कई सारे चीजों को आपको बताया एडिशनल, जो आने वाले समय में, आने वाले पेपर में आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। और आज बात करेंगे हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर में, और 100 क्वेश्चन 1 आवर। लेकिन 100 क्वेश्चंस के लिए अगर हम फ्रेमिंग करें कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो गाइज एएलपी की बात करेंगे 75 क्वेश्चंस था। लेकिन 100 क्वेश्चन में जो हमने रेशियो तय किया है, लगभग 30-40 क्वेश्चंस जीएस, और जो रेस्ट बचा 60 क्वेश्चन में डिवाइड कर लें आप मैथ्स को और रीजनिंग को। क्योंकि जीएस का जो सेक्शन है साइंस और फिर जीके, जीके में आप चाहे आप करेंट अफेयर्स मान लो या फिर पॉलिटी हिस्ट्री, क्योंकि ये आप मान के चलें कि जिस तरीके से एएलपी पूछा गया है कि टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल तो इसमें आना है नहीं, तो क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जीके जीएस वाले क्वेश्चन रहेंगे, है ना। चलिए तो आज हम बात करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चंस आज लगा पाओगे कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताते नहीं हो सर मेरा कितना सही हो गया। जब तक आप बताएंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम एनालाइज नहीं कर लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितना सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर 20 डेज की बात करें तो एक दिन गुजर गया हमारा, अब बचा कितना, 90 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भरत ओझा जी 30 क्वेश्चन पक्का है, 30 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन रहेंगे आप ये मान के चलो जीएस में। क्वेश्चन नंबर 1, डायमंड्स आर वेड इन टर्म्स ऑफ द कैरेट, 1 कैरेट अमाउंट्स टू, हीरा या हीरे कैरेट के रूप में तौला जाता है, 1 कैरेट किसके बराबर होता है, 100 mg, 110 mg, 200 mg या 400 mg। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, नवरत्न राय परेशान ना रहे नाम के लेके जवाब दीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज है जॉब लेना, जॉब लेंगे आपका सक्सेस स्टोरी हम खुद बताएंगे चैनल पे। देखिए 200 दलवीर ने कहा, 200 संधू सिंह, 200 mg सुनील, 200 mg नरेंद्र नामदेव, 200 सुनील कुमार, दीपक, यानी लगभग लगभग कह रहे हैं कि 200 mg। बिल्कुल सही सर। देखिए हीरे अगर कैरेट के रूप में तौला जाए तो 1 कैरेट बराबर, अगर हम गोल्ड की बात करें तो प्योर गोल्ड शुद्ध सोना कितने, 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होगा, लेकिन कभी भी ऑर्नामेंट्स आभूषण 24 कैरेट का नहीं बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्या होता है, डक्टाइल तन्य है। अगर हम 24 कैरेट का गोल्ड बना, ये ऑर्नामेंट बनाएंगे, आभूषण बनाएंगे, तब क्या होगा, ये टूट जाएगा। इस कारण से 20 से लेकर 22 कैरेट तक यूज करते हैं हम लोग, मैक्सिमम हम 23 कर सकते हैं। तो वैसे ही हीरे अगर कैरेट की बात करें तो 1 कैरेट बराबर 200 mg। कैरेट्स आर यूनिट्स ऑफ मास कॉमनली यूज टू मेजर द वेट ऑफ डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन्स, यानी कहें कैरेट आमतौर पर हीरे व अन्य रत्नों के वजन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली या उपयोग में लाई जाने वाली द्रव्यमान इकाइयां होती हैं। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम के बराबर होती है। आप ये समझना कि अगर 200 मिलीग्राम ना दिया हो, अगर ग्राम की बात करेंगे तो कितना होगा, 0.2 ग्राम के बराबर होती है। आई है, आई बात समझ में। द टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम उत्पादन की बात करें तो हीरा सबसे ज्यादा उत्पादक, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कंट्री कौन है, रसिया। नंबर 1 पे रूस, दूसरे पे बोत्सवाना, थर्ड पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको हम लोग DRC कहें, इसके बाद चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा कैनेडा। और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा कहां, मध्य प्रदेश में पन्ना। यानी अरे मूवी भी आई थी ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मिल जाए, दैट मीन्स हम याद रखने का तरीका ऐसा ही है कि भारत में
सबसे ज्यादा अगर बात करें हीरे का प्रोडक्शन की तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहां, पन्ना में। एक क्वेश्चन और साइंस से जुड़ता है कि डायमंड रिफ्लेक्ट करता है किससे, किसके कारण, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसमें चमक होती है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, गोथाइट, लिमोनाइट, बोथ फर्स्ट एंड टू, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब विनोद यादव जी ने कहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत बढ़िया। मोहम्मद आजम ने पूछा सर डायमंड सिटी सूरत क्यों। गाइज सूरत में डायमंड की फैक्ट्री है, बहुत ज्यादा वर्क होता है वहां, इस कारण से ऐसा है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, ऑप्शन नंबर, लोग कह रहे हैं वन एंड टू। अच्छा प्रमोद जी ने कहा सर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सर देखो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, गाइस जब भी इस तरीके क्वेश्चन लाते हैं कोशिश करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का। तो अगर आयरन ओर की बात करेंगे लोगों को लगेगा सर हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लेकिन आपने क्या गोथाइट लेकर आया, गोथाइट लिमोनाइट इज ऑल्सो आयरन ओर। देखिए और कौन कौन सा आयरन ओर है, द आयरन इज यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइट, यानी लोहा आमतौर पर किस रूप में पाया जाता है, मैग्नेटाइट, केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, गोथाइट या लिमोनाइट को सीडेराइट भी कहते हैं। तो कई बार सेटर लिमोनाइट को ना देकर सीडेराइट देता है, लेकिन मैंने किया क्या कि सीडेराइट ना देकर लिमोनाइट दिया, ताकि आपको दोनों का दोनों जानकारी, दोनों इंफॉर्मेशन आपको पहुंच सके। अरे बात समझ में, यानी कहें कि हेमेटाइट इज ऑल्सो नॉन एज नेचुरल ओर। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आयरन प्राप्त की जाती है तो आयरन ओर में नंबर वन कौन है, हेमेटाइट। इस कारण से हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क और सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि इनमें से किस लौह अयस्क से सबसे ज्यादा आयरन की प्राप्ति होती है, हेमेटाइट। आई बात समझ में, कि हेमेटाइट को इस कारण से नेचुरल ओर भी कहते। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन्स 66% ऑफ आयरन एंड कुड बी फेड डायरेक्टली इनटू ब्लास्ट फर्नेसेस, क्योंकि इसमें 66% लोहा है और इसे सीधे विस्फोट भट्टियों में डाला जा सकता है और आयरन तैयार किया जा सकता है। तो किसकी बात किया मैंने, हेमेटाइट की बात करें। कोई डाउट, और अगर हम आयरन की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयरन प्रोडक्शन कहां है। देखिए इसको एक ट्रिक के जरिए याद रखें, समझना, चाबी, हम लोग चाबी बनाते किससे हैं, आयरन से, लोहे से तो बनाते हैं, सोने का चाबी तो बनता नहीं है। नंबर वन पे चाइना, नंबर दो पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर थ्री पे ब्राजील, नंबर फोर पे इंडिया। यानी कहें चाबी से हम ये पता लगा लेंगे कि आयरन प्रोडक्शन में नंबर वन कौन है, तो नंबर वन चाइना, नंबर टू ऑस्ट्रेलिया, नंबर थ्री ब्राजील, नंबर फोर इंडिया। कोई डाउट, चलिए बढ़े आगे, आ रही बातें समझ में, जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके गाइज बता दें सर हमें अच्छे तरीके समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, अ ड्यूअर फ्लास्क इज यूज्ड टू, एक ड्यूअर फ्लास्क का उपयोग किया जाता है किसमें करते हैं हम लोग, स्टोर लिक्विफाइड एयर, तरलीकृत वायु जमा, प्रिजर्व डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल को रक्षित, कैरी आउट ऑफ गैसियस रिएक्शन अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस, या कहें मेजर एग्जैक्ट वॉल्यूम्स ऑफ कोरोसिव फ्लड्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए एक ड्यूअर फ्लास्क का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं,
ऑप्शन नंबर थ्री के साथ लोग ज्यादा हैं। अगर हम ऑप्शन के साथ देखें गाइस, नंबर वन क्यों ऐसा करेंगे, देखिए गौर से समझना, ये वाली या वह कम रहेगा, निर्वात है ना, इसी कारण से जितने भी लिक्विड होंगे, देखना गौर से फिगर पे, वो हॉट होगा या कोल्ड होगा, यानी कह सकते हैं इसको हम ड्यूअर फ्लास्क को वैक्यूम फ्लास्क भी कहते हैं, और वैक्यूम फ्लास्क ऑल्सो नॉन एज ड्यूअर फ्लास्क या ड्यूअर बोटल या थर्मोस, इज एन इंसुलेटिंग स्टोरेज वेसल्स दैट ग्रेटली लेंथ द टाइम ओवर विच इट कंटेन्स रिमेन हॉटर और कूलर देन द फ्लास्क सराउंडिंग्स। कहता क्या है कि वैक्यूम फ्लास्क एक रोधक भंडारण पात्र है, बर्तन है, जो उस समय को काफी हद तक बढ़ाता है। किस समय को? जो भी हम लिक्विड इसमें रखेंगे, और ये डिपेंड करेगा गर्म और ठंडा पे। आई बातें समझ में? यानी ऑप्शन नंबर वन, क्योंकि जब तक वैक्यूम नहीं रहेगा, निर्वात नहीं होगा, तब तक ये ना गर्म रख पाएगा ना ही ठंडा रख पाएगा। अब एक क्वेश्चन और जोड़ दें कि सर ये बता दो, जो फ्लास्क है, वैक्यूम फ्लास्क है, उसके खोज किसके द्वारा की गई, इन्वेंटन किसने किया, इन्वेंशन की बात करें तो डीवर फ्लास्क इज इन्वेंटेड बाय सर जेम्स डीवर इन 1892। 1892 ईस्वी में सर जेम्स डीवर ने डीवर फ्लास्क का आविष्कार किया। आई बातें समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, प्लूटोनियम यूज्ड टू एटम बॉम्ब वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, प्लूटोनियम परमाणु बम का उत्पादन डैश से किया गया था, U-236, U-238, SR-19 या SR-92। चले यूरेनियम, अस्टोंटियम, चले बताइए क्या होगा। सुरेश मुंडा जी जनरल अवेयरनेस से चल रहा है गाइस, परेशान नहीं होइए। देखिए अगर प्लूटोनियम परमाणु बम की बात करेंगे तो यूरेनियम 238 को तोड़ा गया था और इसी से प्लूटोनियम परमाणु बम का फॉर्मेशन हुआ था, निर्माण हुआ था, जिसका यूज किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो देखते हैं, प्लूटोनियम इज अ रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट, प्लूटोनियम एक रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है, जिसके प्रतीक की बात करें PU और एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितने 94। प्लूटोनियम वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड आइसोलेटेड ऑन December 14, 1940 बाय ड्यूट्रॉन बॉम्ब बार्डमेंट ऑफ यूरेनियम 238 इन द 1.5 मीटर साइक्लोट्रॉन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। यानी पहली बार यूज किया गया 14 दिसंबर 1940 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। इसके बाद यह समझ में आया कि प्लूटोनियम का यूज कहां करें, तो परमाणु बम बनाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि प्लूटोनियम प्रोड्यूसिंग इज यूजफुल क्वांटिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम वाज अ मेजर पार्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और पहला एटॉमिक बम गिराया गया किस पर, तो याद ही होगा जापान, जिसको नाम क्या दिया गया, द फैटमैन। यानी जुलाई 1945 में ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण में इस्तेमाल किए गए फैटमैन बम, और अगस्त 1945 में नागासाकी के बमबारी में क्या यूज किए गए थे, प्लूटोनियम कोर। आई बातें समझ में? यानी तो 9 अगस्त को नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा। तो पहले भी आपको बताया थे याद रखने का तरीका कैसे, 9 और ये 9 दोनों को कॉमन करें हम, यानी N4 नागासाकी अगस्त के महीने थे, और 6 अगस्त को कहां, हिरोशिमा, यानी कहां, जापान में। क्वेश्चन नंबर 5, द टिप ऑफ अ सेफ्टी मैच स्टिक इज मेड अप ऑफ, एक सुरक्षित माचिस की नोक डैश का बना होता है, एंटीमोनी सल्फाइड, ग्लू एंड पाउडर्ड ग्लास, गोंद और पाउडर ग्लास, पोटेशियम क्लोरेट, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी।
अर्पित जी 500 क्वेश्चन से कम है क्या ये? अगर क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो केवल क्वेश्चन देखोगे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि गाइस क्वेश्चंस के नाम पर कई सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे अगर केवल क्वेश्चन की बात करेंगे तब। लेकिन हमें क्या है, समझना भी है, देखना है उससे आसपास कितने क्वेश्चन बनेंगे। देखिए लगभग दिलीप यादव, अशोक, ईशानी, दीपक लोग कह रहे हैं 4, पीना बहुत बढ़िया, ज्योतिष, अरशद, यानी एक सुरक्षित माचिस की नोक की बात करेंगे तो सबका यूज करते हैं हम लोग, केवल फास्फोरस नहीं। द हेड्स ऑफ अ सेफ्टी मैच स्टिक आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पार्ट, द कंटेंट एंटीमोनी, ट्राई सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, पाउडर ग्लास, इनर फिलर्स एंड एनिमल ग्लू, दे मे ऑल्सो इंक्लूड अ वाटर सोल्यूबल डाई। हाँ एक चीज अगर हम कहें, अगर आपके ऑप्शन में रहे तो क्या होगा, फास्फोरस, फास्फोरस, वो भी कौन फास्फोरस, रेड फास्फोरस का यूज करते हैं हम लोग माचिस के निर्माण में। किसके निर्माण में, रेड फास्फोरस का निर्माण किया जाता है माचिस में। और एक चीज मैं और बताऊं, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस दोनों के अगर तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, व्हाइट फास्फोरस। क्यों, क्योंकि रेड फास्फोरस का अगर यूज करते हैं हम, अगर हवा में निकाले माचिस को, क्या वो खुद जलता है, नहीं। लेकिन अगर ह्यूमन बोन की बात करें, मनुष्य का हड्डी, उसमें व्हाइट फास्फोरस पाया जाता है, आप देखोगे तो जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है जलना शुरू हो जाता है। इस कारण से हम लोग कभी कभी सिमेट्री में यह फील करते हैं कि बुरी आत्मा थी, इस कारण से वो शमशान घाट में क्या हो रहा है, नाच रहा है भूत। यानी क्या होता है, क्या कि बोन्स जैसे ही एयर के संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, वो जल उठता है। इस कारण से कह सकते हैं कि लाल फास्फोरस की तुलना में श्वेत फास्फोरस ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। क्वेश्चन नंबर 6, गैमेक्सिन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। मनीष शर्मा जी आपका भी नाम ली, चलो बताओ क्या होगा। देखिए अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे, डीडीटी की बात करेंगे, क्लोरीन से हम लोग क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है गाइस क्लोरीन से प्राप्त करते हैं हम लोग। तो देखते हैं डीडीटी क्या है, कभी कभी डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ दे, ब्लीचिंग पाउडर क्या है। देखिए अगर हम डीडीटी की बात करें तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, कॉमनली नॉन एज डीडीटी, इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट ऑडरलेस क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड। यानी ये क्या है, डीडीटी के रूप में जाना जाता है जिसे एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंध रहित क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। इसकी खोज किसने की, तो डीडीटी की खोज की गई 1939 में पॉल हरमन मूलर के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपके एएलपी में पूछा गया है कि डीडीटी की खोज किसके द्वारा की गई। अरे बातें समझ में, कि डीडीटी कीटनाशक की खोज किसके द्वारा की गई, पॉल हरमन मूलर के द्वारा 1939 में। इट्स केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C14H9C15। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaClO2। इट इज द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। यानी यह वाणिज्यिक उत्पादों का मुख्य सक्रिय घटक है जिसे ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन पाउडर या क्लोरोनिटेट चूना कहा जाता है, जिसका उपयोग पानी के उपचार में एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं। अब सवाल उठता है, सर पानी के उपचार कैसे, पानी बीमार है क्या? जब पानी गंदा हो जाता है तब हम लोग देखते हो कुआं में छिड़काव करी जाती है, ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव करिए और अपने आसपास जितने भी सारे बैक्टीरिया की बात करें या जितने भी मच्छर मॉस्किटो की बात करेंगे सबका सफाया हो जाएगा। आई बातें समझ में, चलिए यानी कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज इक्वल टू कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर उद्रपातन से गुजरता है? नेप्थोलिन, आयोडीन, कैम्फर, ए एंड बी, केवल दो, ए एंड सी, ए एंड नेप्थोलिन या कपूर, बी एंड सी, आयोडीन या कपूर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दिए, पीडीएफ टुमारो, ठीक है, पीडीएफ आपको टुमारो मिल जाएगी। देखिए गाइज, ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए सब्लिमेशन कहते किसको है, कोई भी लिक्विड, सॉरी कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो गैसियस फॉर्म में बदल जाए। आप कपूर पूजा पाठ करते होंगे, तो पूजा पाठ में हम लोग कपूर को जलाएं, अब क्या वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं ना, यानी कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए गैसियस फॉर्म में बदल जाए, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, उद्रपातन। अब हम लोग नेप्थोलिन बॉल देख लीजिए, वो भी क्या होता है, हम लोग रखते हैं, रखे रखे गायब हो जाता है वो। आयोडीन भी वैसे ही है और कपूर भी वैसे ही है, यानी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस जूसेस इज सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज, इनमें से कौन सा रस अग्नाशय से स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बाइल जूस, बोथ एंड बी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए अगर हम पैनक्रियाज की बात करेंगे तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन, तो बाइल जूस सर कहां, बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड गॉल ब्लडर, यानी पीत रस लीवर से निकलेगा, पित्ताशय में जाकर स्टोर होगा और पैनक्रियास से ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों फ्लो होगा, दोनों निकलेगा। तो पैनक्रियास की बात करें, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, द पैनक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। तो सर पहला बता दो, पहला लार्जेस्ट ग्लैंड कौन, अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा आपके सामने, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पैनक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लोकेटेड इन अस्टमक, अग्नाशय अमाशय में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। द पैनक्रियाज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर, इस कारण से इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स्ड क्यों, क्योंकि दोनों काम करेगा, ये शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी। तो अग्नाशय पाचन में और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट मेक्स इंजाइम्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द इंटेस्टाइन्स एंड प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागन, या आंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए क्या करता है, इंजाइम बनाता है, जो भी आपने पढ़ा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को किसमें बदलेगा? गाइस कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन किसको तोड़ता है, बात समझना। मैंने पूछा कि पेप्सिन का काम क्या है, करता क्या है वो, सो इट्स कॉल्ड द पैनक्रियाज इज नन एज मिक्स्ड ग्लैंड, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए मिश्रा जी कह रहे हैं सर स्मॉलेस्ट पिट्यूटरी, बहुत बढ़िया, पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, जो कहां, जो मस्तिष्क में रहता है। पिट्यूटरी इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, करिए विचार, देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, रेडॉन इज द हैवीएस्ट गैस, रेडॉन भारी गैस है, चलिए पहला। दूसरा क्या कहा, एस्टॉटिन इज द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, एस्टॉटिन पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ तत्व है। ऑप्शन नंबर 3, ग्रेफाइट विच इज
नॉन मेटल इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ग्रेफाइट जो अधातु है वह एक विद्युत सुचालक भी है। विच अमंग द अबव सेंटेंस स्टेटमेंट आर करेक्ट, उपरोक्त विवरणों में कौन सा सही है? पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन और फाइनली, चलो बहुत बढ़िया, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से एड्रेनल ग्लैंड को जानते हैं हम लोग। किसे जानते हैं? एड्रेनल ग्लैंड को। भाई नाम तुम लोग ऐसा रखते हो एक बार में तो दिखे ना, अपना ओरिजिनल नाम रखा करो गाइस, तब तो देखिए। अगर हम बात करें ऑल ऑफ द अबव, कल ही बताएं इनर्ट गैस 6 हैं जिनमें से रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि रेडॉन सब हल्की गैसों में से सबसे भारी है, समझना। एस्टॉटिन क्या है? रेयरेस्ट एलिमेंट है जो पृथ्वी में कहीं कहीं है। अब पता है गाइज, ग्रेफाइट नॉन मेटल है और क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, विद्युत सुचालक है, यानी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, पौधों में कार्बोहाइड्रेट डैश के रूप में संग्रहित होते हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च, शर्करा, माल्टोज। लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड, बहुत बढ़िया। विनय त्रिपाठी जी, मैंने कहा जितने भी इनर्ट गैस है उसमें से सबसे भारी। चलिए सौरभ शर्मा जी, आपका भी नाम लिया। अरविंद चौधरी, चलो बताओ नाम, जवाब दो। शैलेंद्र कुमार, रोशन ने कहा स्टार्च। लोग कह रहे हैं ग्लाइकोजन। देखो अगर पौधों में हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये गाइस स्टार्च है। अंतर क्या है सो समझिए, एक ह्यूमन बॉडी में भी अगर क्वेश्चन चेंज कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स गायब ह्यूमन बॉडी और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब पौधों के जगह आ जाए मानव में कार्बोहाइड्रेट डैश के रूप में संग्रहित होते हैं, अरे बात समझ में, तब हमारा जवाब चेंज हो जाएगा और क्या होगा? ग्लाइकोजन। तो देखते हैं आगे, समझते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। चलिए बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ रहा है भाई, तो अब ये बताओ मजा आ रहा है, हमें भी समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है, तो कम से कम ये तो पता चले ना, एक लाइक बटन है प्रेस करें, इसके बाद तो लगे कि नहीं वाकई में आपको बातें समझ में आई, तो एक लाइक तो बनता है कम से कम, है ना। देखिए, इन द प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड। अब देखिए समझना, स्टार्च के रूप में है, अगर आपके ऑप्शन में स्टार्च नहीं है तब होगा पॉलीसेक्राइड। अगर स्टार्च है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज क्या होगा? पॉलीसेक्राइड, जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमन की बात करें, इन द ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑल्सो पॉलीसेक्राइड नॉन एज ग्लाइकोजन। एक प्लांट जिसमें ग्लाइकोजन भोजन के रूप में स्टोर रहता है, फंगी। ग्लाइकोजन क्या है? ये प्रोटीन है। क्वेश्चन क्या आएगा? कवक में भोजन किस रूप में जमा रहेगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन क्या है? प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि फंगी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस कारण से ये क्या करता है, अपने आप में ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए सुनील कुमार कश्यप ने कहा बहुत बढ़िया सर, आई प्रेस लाइक फर्स्ट देन स्टडी। चलिए सही है, क्योंकि गाइज हम लोग मंदिर जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, घंटी बजाकर ऊपर वाले को जगाते हैं कि हम आपके दरबार में उपस्थित हो गए, तो कम से कम सही कहा कि सर पहले लाइक कर दें इसके बाद स्टडी करते हैं। चलो जल्दी जल्दी जवाब दो क्या होगा। संधु सिंह ने कहा नाइट्रोजन, पल्लव पाल नाइट्रोजन। देखिए बहुत बढ़िया,
अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि सॉइल से ये प्राप्त करता है, नाइट्रोजन ही इसे प्राप्त करेगा, ये सॉइल से। देखिए द टू मिनरल एलिमेंट्स, अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन के साथ कुछ और रहता तब क्या होता? द टू मिनरल एलिमेंट्स दैट आर मेनली यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कौन कौन? नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम रहता, नाइट्रोजन नहीं रहता, तो मैग्नीशियम होता। अगर दो एलिमेंट को कंजुगेट करता, नाइट्रोजन मैग्नीशियम, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तब क्या होता? मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। द प्रोटीन कंटेंट्स ऑल्सो कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, साथ ही साथ कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी हैं। अरे बातें समझ में। द लास्ट एलिमेंट इज एब्जॉर्ब, तब ये पौधे को प्राप्त क्या होता है? नाइट्रेट। द लास्ट एलिमेंट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट इन टू द सॉइल। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्लांट सिंस द नाइट्रेट्स आर सप्लाइड बाय द रूट्स, यानी यह पौधों के पौष्टिक मूल्य को बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि नाइट्रेट जड़ों द्वारा आपूर्ति की जाती है। वही कहा, यह क्या करता है? सॉइल से खींचता है, तो सॉइल से कौन खींचेगा? अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम ऊपर की ओर, सूर्य की किरण की ओर, जड़ क्या होगा? नीचे ग्रो करेगा, नीचे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंस सलीम वाज द नेम ऑफ द एम्पायर, राजकुमार सलीम सम्राट डैश का नाम था, यानी सलीम किसका नाम था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। चलिए रोहित कुमार ने लिखा, सर इट्स ट्रूली ट्रूली, इससे सारे क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं। चलिए राजकुमार सलीम सम्राट, किस सम्राट का नाम था? अगर राजकुमार सलीम की बात करेंगे गाइज, जहांगीर। किसका नाम था? जहांगीर का। देखो कई लोग कह रहे हैं अकबर, भाई जहांगीर का नाम था। प्रिंस सलीम वाज द नेम ऑफ जहांगीर, हिज कंप्लीट नेम वाज मिर्जा, और देखो नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। वह चौथे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया। तो सर कैसे याद रखें, इस भूल जाते हैं हम। अभी सरकार किनकी? उत्तर प्रदेश सेंट्रल मैक्सिमम स्टेट में देखो भाजपा, समझना। अब भाजपा की जगह कैसे याद रखें? कुछ नहीं करना है, भाजपा की जगह देखो क्या करेंगे, भाज सा, पी की जगह क्या रखा? एस। बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यानी बाबर मुगल वंश के संस्थापक 1530 ईस्वी में, और वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो अकबर 1556 ईस्वी में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। आई बातें समझ में? और जहांगीर के समय ही 1605 से 1627, क्यों? क्योंकि अकबर की मृत्यु हो जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी जाएगी अकबर के समय, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन होगा 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री, किसके समय? जहांगीर के समय। तो दो क्वेश्चन बनेगा, पहली क्वेश्चन क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ जिस समय भारत में शासन था अकबर का, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ जिस समय शासन था जहांगीर का, जिसका बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्वेश्चन नंबर 13, विच कमिटी रिकमेंडेड द चार्ज इन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ बीसीसीआई, किस समिति ने बीसीसीआई के कामकाज और संरचना में बदलाव की सिफारिश की है? जस्टिस एमबी शाह कमेटी, न्यायमूर्ति एमबी शाह समिति, राकेश मोहन कमेटी, विवेक देवराय समिति, लोढ़ा समिति। बहुत बढ़िया, प्रीसियस ने कहा सर मंसूर। हाँ गाइस कह सकते हैं कि जहांगीर के पीरियड को हम लोग कहते हैं क्या पता है, जहांगीर और शाहजहां दोनों में, जहांगीर के समय को हम लोग कहते हैं गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, चित्रकला का स्वर्ण काल, और जहांगीर का शाहजहां कहेंगे आर्किटेक्चर, क्योंकि कई सारे बिल्डिंगों का निर्माण कराया था। बहुत बढ़िया, यानी लोढ़ा समिति, जस्टिस लोढ़ा समिति ने सिफारिश करी, क्यों? याद होगा आपको आईपीएल में दो टीम पर आरोप लगा था, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। इसके बाद से लोढ़ा समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि बीसीसीआई काम सही नहीं है, इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। तो आपने विवेक देवराय समिति नहीं कहा, राकेश मोहन समिति नहीं कहा,
एमबी शाह समिति नहीं कहा, तो क्यों ना विवेक देवराय समिति समझें। रेलवे में कुछ सुधार की गई विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। अच्छा देख लेते हैं सामने, लोढ़ा कमिटी रिकमेंडेड अ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ बीसीसीआई। लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के कामकाज और संरचना में बदलाव की सिफारिश की थी और 14 जुलाई 2015 को कहा था। तो लोढ़ा कौन थे? सुप्रीम कोर्ट की 14 जुलाई 2015 को आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कमिटी ने सट्टेबाजी में कथित तौर पर शामिल होने पर 2 साल की अवधि के लिए इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स और सीएसके दोनों को बाहर कर दिया। इसके बाद 16 नहीं खेला, 17 नहीं खेला, 18 में फिर इनकी वापसी हो गई, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल को जीता। अब आ जाए जस्टिस एमबी शाह समिति क्या था। ब्लैक मनी पे एक कमेटी गठित की गई न्यायमूर्ति एमबी शाह समिति के सिफारिश पर। राकेश मोहन समिति क्या है? कहा गया फॉर अ स्मॉल सेविंग, छोटी छोटी बचत के लिए जो टैक्स है, ब्याज दरें हैं, कैसे रहनी चाहिए वो हम कहें। और विवेक देवराय कमेटी जो रेलवे के लिए काफी इंपोर्टेंट रखता है, भारतीय रेलवे का पुनर्गठन कर दिया जाए, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवेज। और याद होगा गाइज, आम बजट के साथ रेलवे बजट को विलय करने की सिफारिश की थी किसने? विवेक देवराय समिति ने 1924 में एकवर्थ कमिटी के सिफारिश पर आम बजट में मिला दिया गया और फिर विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर शामिल कर लिया गया। आई बातें समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। निम्न में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? अच्छा किसान ठाकुर जी कह रहे हैं सर लोग यहां अब शब्द बोल रहे हैं। मैं अपनी टेक्निकल टीम से चाहूंगा सर जरा देखें कौन से बच्चे कमेंट कर रहे हैं। देखिए अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग। अरे बात समझ में? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, प्रेयर सोसाइटी, कभी कभी इंग्लिश में रहेगा प्रेयर सोसाइटी, की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दयानंद सरस्वती आपने क्यों नहीं लगाया? राजा राम मोहन राय आपने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। तो बता दे आपको पीडीएफ भी मिल जाए ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन इन 1867। तो हो सकता है आपके टाइम पूछ दे प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई कब? 1867 में। तो काम क्या था? वन यानी ईश्वर एक है, इनका लक्ष्य यही था। और महादेव गोविंद रानाडे के साथ जुड़ने के बाद यह लोकप्रिय हो गया। अगर महादेव गोविंद रानाडे की बात करेंगे तो महादेव गोविंद रानाडे वाजा टीचर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के टीचर कौन थे, शिक्षक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो महात्मा गांधी पॉलिटिकल टीचर वाज गोपाल कृष्ण गोखले। यानी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। दयानंद सरस्वती की बात करें, देखो जितने सेंटेंस हैं सर उतने आपके लिए क्वेश्चन है ये। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बहुत कम क्वेश्चन करवाते हो। गाइज अगर आप सेंटेंस को देखें, वन लाइनर देखें, कई सारे क्वेश्चन है। पहला देखो, दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन काउंट करते जाओ, कब की? 1875 में। वेदों की ओर लौटो किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो बंगाल रेनिनेंस यानी बंगाल पुनर्जागरण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। और सती प्रथा उन्मूलन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के मदद से। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई, टाइटल दी गई मुगल बादशाह अकबर सेकेंड के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 15। द ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नॉन एज। अफ्रीका के घासों के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? डाउन्स, पंपास, प्रेरीज, सवाना।
प्रदीप पाल जी कह रहे हैं सर ये तो बहुत है। तो गाइस बढ़िया है ना, ज्यादा से ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, बस मोटिव हमारा यही है। ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, क्वेश्चन हमारा फंस जाए। देखिए अगर हम अफ्रीका के घास की बात करें, सवाना, अगर डाउन्स, पंपास, प्रेरिज, इसकी भी चर्चा करें, पंपास अर्जेंटीना, चलिए देख लें। ग्रासलैंड्स आर नॉन बाय मेनी नेम्स, घास के मैदानों को कई नामों से जाना जाता है। जो क्वेश्चन था आपका अफ्रीका में सवाना के नाम से, मध्य अमेरिका की बात करें यूएस में प्रेरी, अमेरिका दक्षिण अमेरिका या कहें अर्जेंटीना पंपास, केंद्रीय यूरेशियन, यूरेशियन यानी समझना रूस का वो क्षेत्र जो रूस जो यूरोप में पड़ता है और एशिया में पड़ता है उस क्षेत्र को यूरेशिया कहते हैं, स्टेपीज, और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो गाइज डाउन्स। यानी आपके साथ कितने सारे क्वेश्चन के जवाब मिले, कौन सा घास का मैदान, सवाना कहां, अफ्रीका में प्रेरी कहां, यूएस में पंपास कहां, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, यूरेशियन यानी कहां स्टेपीज, डाउन्स कहां ऑस्ट्रेलिया में, यूरेशियन किसे कहेंगे तो रसिया का वो पार्ट जो यूरोप में है और एशिया में है उसे हम लोग क्या कहेंगे यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 16, द यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, केंद्रीय बजट हमेशा पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है, द लोकसभा, द राज्यसभा, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। अच्छा सचिन कुमार जी इसके लिए भी ट्रिक लेकर आएंगे, परेशान ना होइए। चलिए केंद्रीय बजट हमेशा पहले कहां प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद का संयुक्त सत्र में, लोकसभा में, इसके बाद यह राज्यसभा में जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र कोई मतलब नहीं है। संयुक्त सत्र तब होगा जब लोकसभा और राज्यसभा को लेकर विवाद होगा, हमेशा ज्वाइंट सेशन को कॉल अप करेंगे, बुलाएंगे कौन, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, और इसकी चेयरपर्सन अध्यक्षता करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष। और ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे आर्टिकल नंबर 108, तो याद कैसे रखें, 108 की बात करेंगे, 108 एम्बुलेंस का नंबर होता है, तो एम्बुलेंस को हम कब बुलाते हैं, जब विपत्ति आती है, जब परेशान होता है, तो ज्वाइंट सेशन कब बुलाएंगे, जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाएगा। गाइस किसी तरीके से याद करिए, हमारा मोटिव है क्वेश्चन को सॉल्व करके आना। द यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भारतीय संविधान में बजट की कहीं चर्चा नहीं है, तो क्या चर्चा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 112, जो भारत गणराज्य का एनुअल बजट कहा जाता है, और यह हर साल संसद में भारत के वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अब एनडीए गवर्नमेंट आई है तब क्या किया इन्होंने, फर्स्ट फरवरी को कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्चुरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एस्चुरी का नाम क्या है, पाक स्टेट, पाक जलडमरू मध्य, सरक्रिक, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंभात। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें गाइस भारत और पाकिस्तान की सीमा की एस्चुरी सरक्रिक, ये पड़ता है गुजरात में। एक चीज समझनी होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने राज्य की बाउंड्री टच करती है भारत की, इसको हम कैसे याद रख लें, पंगू राज। सर ये पंगू राज क्या बता दिया आपने, पा पंजाब, गु गुजरात, रा राजस्थान, जा जम्मू कश्मीर, यानी पंगू राज से चार राज्य पाकिस्तान की सीमा से टच करेगा, सरक्रिक कहां, गुजरात में, और पाक स्टेट, पाक जलडमरू मध्य कहां है, तो अगर इंडिया की मैप देखेंगे आप और नीचे श्रीलंका है, और जलडमरू मध्य किसे कहते हैं, डमरू की आकृति सर ऐसे होती है, वही आकृति यहां बनी हुई है, और
पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी कहाँ, तो अरब सागर इस जगह पे, और अगर खंभात की खाड़ी कहेंगे तो गुजरात के पास अरब सागर में। यानी चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन को मैंने तोड़ दिया कहाँ कहाँ क्या क्या है, आ रही बात समझ में। एक क्वेश्चन और जोड़ दें कि भारत श्रीलंका को कौन जोड़ेगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 85 ईयर्स, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, मीनाक्षी आर्या ने कहा सर मिडिल लाइन बता दो, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो याद कैसे रखें, भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा लड़ाइयां लड़ी जाती है जिसमें से खून का बहाव होता है, तो ब्लड का कलर कैसा है, रेड, रेड क्लिफ। चलिए बहुत बढ़िया, बांग्लादेश से सटे राज्यों में ट्रिक बताइए, ठीक है गाइस, कल क्वेश्चन लेकर आएंगे वहां भी बता देंगे उसको। सर देखिए प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं है, जब तक आपकी एज है, जब तक है जान तब तक हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम आयु 25 इयर्स फॉर लोकसभा मेंबर, मिनिमम आयु फॉर 30 इयर्स, व्हाई, राज्यसभा मेंबर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन राज्यसभा सदस्य होंगे उसके लिए कम से कम 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य होंगे उसके लिए कम से कम 25 वर्ष। तो कितने प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, चार। इसको व्यक्ति के समझे, ईद में गम, ईद में गम क्या हो गया, चार प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, ई फॉर इंदिरा गांधी, दे फॉर देवेगौड़ा, मे का यानी कोई मीनिंग नहीं, स्टार लगाइए, गा फॉर गुजराल, मा से मनमोहन सिंह, यानी चार प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, पहला कौन, इंदिरा गांधी, दूसरा देवेगौड़ा, तीसरा गुजराल, आई के गुजराल, और चौथे मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए गल्फ ऑफ खंभात गुजरात अरब सागर में, देखिए अगर हम बुलंद दरवाजा की बात करें तो सर उत्तर प्रदेश, गुजरात इसलिए लगता है आपको, क्यों, क्योंकि अकबर गुजरात में जीता और उत्तर प्रदेश में आकर बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था 1601 ईस्वी में, आई बातें समझ में। देखो बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इट वॉज बिल्ट इन 1601 एडी बाय अकबर। एक क्वेश्चन और आएगा कि गुजरात विजय के उपलक्ष में, गुजरात विजय के उपलक्ष में अकबर बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है कहां, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, कब करता है, 1601 में। अकबर के पीरियड की बात करें 1556 से 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर का कंटेम्पररी रूलर था ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन, एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों के अयोग्यता के लिए प्रदान करता है, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 21वां संविधान संशोधन, 52nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट। चलिए एक काम करेंगे गाइस, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि एक दिन सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, एक दिन हिस्ट्री से क्वेश्चन, एक दिन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन, एक दिन ज्योग्राफी से क्वेश्चन, एक दिन करंट से, एक दिन साइंस से, तब क्या होगा कि हमारे पास भी कुछ समझाने के लिए रहेगा और आपके पास भी कुछ समझने के लिए रहेगा। निक्किया जी अभी तो बताया मैंने एक बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था, उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, अब आप लोग रिजल्ट हो जाएगा रेलवे में तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं धमाका करोगे ना जाकर, तो वैसे उसने गुजरात जीता, धमाका किया यूपी में आके, क्योंकि उनकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी कहां, आगरा, फतेहपुर सीकरी। देखिए अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, संसद के सदस्य की अयोग्यता, यह है क्या, दल बदल कानून, यानी एक सर्टेन नंबर के बाद आप दूसरे दल में नहीं जा सकते आफ्टर इलेक्शन, तो वो नंबर क्या है, 1/6, 1/6 से कम हुआ आप दूसरे दल में गए, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ये लाए गए था राजीव गांधी के द्वारा, कब, 52nd अमेंडमेंट
1985 में। 21वां संविधान संशोधन की बात करें 1967 से सिंधी को 15वां भाषा के रूप में जोड़ा गया अनुसूची 8 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन 1992 तो गांव के लिए आपने पंचायत लाया, तो भैया शहर वाले नाराज ना हो, म्युनिसिपैलिटी नगर निगम ले आए। यानी चार क्वेश्चन बना आपका यहां, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। When and where was the year and place of birth of ध्यानचंद? ध्यानचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? 29 अगस्त 1903 दिल्ली, 29 अगस्त 1904 उत्तराखंड, 29 अगस्त 1905 उत्तराखंड, या 29 अगस्त 1906 हरियाणा। कुनी कुमारी कह रही सर पार्टी कैसे चेंज करते हैं, क्या करना है आपको, बीजेपी से कांग्रेस में जाना है? अरे भाई आप बता देंगे किसी दिन, परेशान ना होइए। देखिए 29 अगस्त 1905 उत्तर प्रदेश। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन को लाने के पीछे मोटिव क्या था। गाइज टुडे 29th ऑफ अगस्त, आज 29 अगस्त है, तो क्यों ना आज के ज्ञान में पूरा का पूरा कंसंट्रेट करें ध्यानचंद पर। चलिए देखें आज का ज्ञान क्या है, गुरु ने क्या लेकर आया। नेशनल स्पोर्ट्स डे टुडे सेलिब्रेट, आज हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त 1905, यानी 1905 में जन्म हुआ था। 1905 याद होगा, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए जन्म की बात करें 29 अगस्त 1905 कहां? अलाहाबाद, तो यूपी। लेकिन 1905 की बात करेंगे यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत था। और मृत्यु कब हुआ? 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में। आगे देखिए हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद, यानी कहानी खेल के सबसे बड़े जादूगर की बात करें तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा गोल्ड, ध्यानचंद के नाम पर भारत में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और हॉकी के खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। 1956 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। इन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया, कब तो आगे देखेंगे। लेकिन अब तक भारत, एक क्वेश्चन यहां बनेगा, भारत अब तक ओलंपिक में कितना स्वर्ण जीता है? 8। तो कब? पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड या नीदरलैंड, 1932 में लॉस एंजलिस। और एक कहानी मजेदार, 1932 में ध्यानचंद ने उस टूर्नामेंट में 101 गोल कर रिकॉर्ड बनाया था। गाइज कोई अपने लाइफ में 101 गोल नहीं करता है, और ये बंदे ने क्या किया, 101 गोल कर दिया और अमेरिका को हराया था, देखो 24-1 से। सोच लो कितने, मतलब कहें स्टेमिना, और हम लोग क्या एक रिजल्ट असफल होते हैं स्टेमिना हमारी खत्म हो जाती है। तो कहां जीता मैंने बताया दो, 1936 में जर्मनी, 48 लंदन, 52 हेलसिंकी फिनलैंड, 56 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, 64 टोक्यो जापान, लास्ट 1980 मॉस्को। यानी पहला और अंतिम, लास्ट, इसको दिमाग में रखना होगा। तो एक बार की कहानी है, जब वो गेम खेल रहे थे कहां पे, तो जर्मनी में, तो जर्मन तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद की जादूगरी एवं कलात्मकता रूपी खेल से प्रभावित होकर उन्हें ऑफर किया कि सर आप हमारे देश से खेलो, हम आपको सेना के ऊपर पोस्ट जो होता है वहां देंगे। लेकिन गाइस देशभक्ति और वतन परस्ती एक ऐसा चीज है जो आदमी पागल है उसके पीछे, तो इसने क्या किया, एडॉल्फ हिटलर के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। तब हिटलर ने बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के हॉकी स्टिक को तोड़ दिया, और ये किस लिए तोड़ा, तो चुंबक की जांच करने के लिए, क्योंकि इनके पास जब बॉल आती थी तो फिर सीधा वो सामने वाले के गोल पोस्ट में जाकर रोकती थी। ध्यानचंद को 2013 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग की गई थी, लेकिन सचिन को दिया किसने, कांग्रेस सरकार ने, पहली बार खेल के रूप में। आगे देखिए अब लास्ट, फुटबॉल का जादूगर किसे कहेंगे, हमने कहा हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, फुटबॉल का जादूगर ब्राजील के पेले। ब्राजील ने अब तक सबसे ज्यादा बार 5 बार विश्व कप जीता। क्रिकेट का जादूगर किसे, ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता, तो कह सकते हैं हॉकी के महान जादूगर को हमारा और महिंद्रा परिवार की तरफ से सत सत नमन।
चलिए आज यहीं तक। आज की वीडियो गाइज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर लगा अच्छा तो करें लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कल फिर मिलेंगे इसी तरीके सेशन को लेकर। तब तक के लिए इंग्लिश गुरु के साथ बने रहिए। चलिए ओके बाय, थैंक यू।